जम्मू संभाग के जिला पुंछ में लॉकडाउन के हटने के बाद बाजारों में रौनक देखने को मिली। बड़ी तादाद में लोग बाजारों में पहुंचे। बड़ी विडंबना है, इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा। वहीं कई लापरवाह लोग बिना मास्क के बाजारों में घूमते नजर आए। इसे देखकर प्रशासन हरकत में आया और बाजारों का दौरा कर लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की अपील की। साथ ही साथ लोगों को इस महामारी से जागरूक भी किया गया कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है। इस मौके पर एडीसी पुंछ खुद बाजारों का दौरा कर लोगों से एसओपी का पालन करने की अपील कर रहे हैं। आपने जैसे कहा कि सिर्फ एकत्र सब्जी मार्केट थी हमारी, उसमें लोगों का शायद संदेशा रहा होगा, तो बाकी जगह पर आपने देखा है कि मार्केट जैसे कोविड एसओपी के तहत जिन दुकानों को खोलने की इजाज़त है वही खुली है, और हमने पूरा मार्केट का ये चक्कर भी लगाया है। एडिशनल एसपी साहब हमारे साथ भी मौजूद थे और हमने प्रचार भी किया है कि जो लोग बगैर मास्क के मिले हैं उन्हें जुर्माना किया है, जो उनका मास्क थे उनको मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया है। लोगों से हमारी यही अपील रहेगी कि वो जरूरत के लिए घर से किसी एक बंदे को भेजें, ताकि कम से कम जो है वो बाजार में भीड़ भाड़ हो और कोरोना की चेन जो है हम उसको ब्रेक करने में कामयाब हों। सर ये ऐड करूँगा जो पूरा मार्केट में बस स्टैंड पे और सब्जी की दुकान पे जो फिश मार्केट बनी हुई है, ना दुकानदार सेफ्टी मेजर ले रहे हैं और कस्टमर ये सोच रहे हैं कि शायद कल दोबारा लॉकडाउन या शाम को लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल आप आराम से खरीदें, दो चार दिन में वीकेंड जो लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, अगर आप लोगों का यही रवैया रहा तो ये फिर परमानेंट चलेगा, ये अनलिमिटेड टाइम के लिए कंटिन्यू होगा। अपने पे रहम करें, आप लोगों को बात समझ आती क्यों नहीं है? अब तो हर जाहिल से जाहिल अनपढ़ से अनपढ़ भी ये समझ चुका कि ये कैसे फैलता है और इस वक्त की जो वेव है इसका कितना शिद्दत क्या है और डेथ रेट क्या है, वो कोई परवाह नहीं है। एक फैशन चल के कपड़े के मास्क जो है लगा के निकल रहे हैं मार्केट में। मैं आप में भी कुछ लोगों को देख रहा हूँ, खुदा रहा रहम करो अपने पे, सर्जिकल मास्क और N95 मास्क लगाओ। 10 रुपये का एक मिलता है, 250 रुपये का मिल जाता है। जब खासकर क्राउडेड प्लेसेस में आना है तो आप एक अंदाज़ा करें, अब जब यहाँ से घर जाएंगे, ये लोग घर जाएंगे, अगर एक आदमी भी यहाँ से लेके चला गया यहाँ से इन्फेक्शन, वो घर में बच्चों का, माँ बाप का, बीवी का क्या हाल होना है? तो ये हमारे ऊपर तरस ना, अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली पे तरस खाएं। तो सर जो विदाउट मास्क घूम रहे हैं उन पे किस तरह की कार्रवाई? स्ट्रिक्ट चलानी हो रही है, आपके सामने फाइन हो रहे हैं, कुछ को मास्क भी जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनको मास्क भी दे रहे हैं, वो आपके भाई वो दे रहे हैं, हमें हम आगे दे रहे हैं। लेकिन इसमें मैं दुकानदारों को वार्न कर रहा हूँ कि दुकानों के आगे प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वो खड़ा करें, और विदाउट मास्क को पता तो उसको बिल्कुल कोई चीज़ ना दें। सर सोशल मीडिया नहीं है, जो भी होगा वो आप सबसे हमसे पहले जान जाएंगे। वीकेंड लॉकडाउन है, जैसा आपने देखा कल फैल की बात रजौरी के बारे में, आज वहाँ दुकानें खुली हैं अल्टरनेट इवन आर नंबर में। जब यहाँ कुछ होगा तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्म किया जाएगा। जब आपको कहा कि 60 घंटे का लॉकडाउन है तो उसके बाद आप मंगलवार को ऐसे ही या सोमवार को आगे फ्लड कर दी मार्केट आपने, कि जैसे कि तूफान बचने वाला, जंग लगने वाली, और आपको भी मिलेगा नहीं खाने को। यार खाने को अगर 2 दिन सब्जी हरी ना भी मिली, अनार ना मिले, आपको और चीज़ें ना मिली, आप बच जाओगे। लेकिन कोरोना रिपोर्ट, न्यूज़।